अभी फिलहाल मैं बैंक में गया था, मतलब रात को मैंने वीडियो जब डाला था अपना, तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग मामा को तत्त करो, तत्त कर दो मामा को। मैं ना दोस्तों इसको गुस्सा करता हूँ, देखना ये मेरे को कैसे मनाती है। अभी दोस्तों मैं थोड़ा सा तैयार होके एंड मेरे को निकलना पड़ेगा वापस मार्केट। तो सिलेंडर दोस्तों अभी रख दिए मैंने गाड़ी में, और साथ में अपनी माता जी भी आ गई हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि मम्मी जी साथ में देखने को मिले आपको, क्योंकि मम्मी जब मार्केट वगैरह जाते हैं ना तो हमेशा खुद ही चले जाते हैं ना मम्मी। हाँ, मैं अकेले चले जाती। मेरे को भी नहीं बोलते कि मेरे को छोड़ा या कुछ ऐसे, या कि मम्मी को ऐसा लगता है कि तेल बहुत ज्यादा खर्च होता है, तो इससे बेटर है कि ऐसे चला जाए। दोस्तों मार्केट में पहुंच गया हूं, बट मार्केट में जाते ही पता नहीं यार मुझे क्या हो जाता है, मैं दीन दुनिया से थोड़ा दूर रहना चाहता हूं। इस वजह से क्या होता है कि मैं देखो मार्केट से बिल्कुल साइड में आके बैठा हूं, मम्मी वगैरह शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने कहा आप मेरे को फोन कर देना जब आप फ्री हो जाओगे, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। तो मतलब ना पता नहीं क्यों यार दिल्ली नहीं बोलता लोगों के बीच में जाने का, और क्या बोल सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, आपको याद आ गया होगा ये वही जगह है जहाँ पे हम हिमाचलवाला.in के लिए आपके लिए ऑर्गेनिक दालें वॉलनट वगैरह भेजते हैं। सारा सामान यहाँ पे वापस लेके मैं आ चुका हूँ, कोई हरा धनिया है कोई क्या है। मास्टर जी नमस्कार, कैसे हो? ठीक ठाक। तो देखिए सब लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे, और ये कुछ टमाटर है, कुछ सामान चला गया और कुछ अभी वापस से आ रहा है। असल आप ले जाओ एक चीज ले जाओ उठा के ना, ले जाओ हाँ कुछ भी एक चीज कोई भी। और ये अपने छोटे भाई कैसे हो? ठीक है। तो बाकी यही है भाई, सामान आ रहा है धीरे 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 करके, सारा जो भी लगेगा पूरा का पूरा आज, क्योंकि स्टॉक ही करना है। सिम्बा चलो घर जाओ। और सिम्बा यहाँ पता नहीं क्या कर रहा है, देखो रिश्तेदार अपने आने लग गए हैं, वो अपने बुआ जी मामा सारे लोग अभी आ रहे हैं। सिम्बा जाओ घर जाओ, जो जो जल्दी जाओ, भाग के जाओ, राम जाता इधर उधर घूमता रहता है। अब भाई सही बताऊं तो सुबह से ना इतना ज़्यादा काम आ रहा है, कभी पानी वगैरह सेट कर रहे हैं, पाइपें लगा रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा सेटअप कर रहे हैं, तो ऐसे में कैमरा उठाने का भी टाइम नहीं लग रहा। फिलहाल दोस्तों अभी जो टाइम लगभग शाम का होता है, एंड ऐसे में ना थोड़ी देर में अब घुराई लोग जो है वो पहुँचने वाले हैं। अब घुरा क्या होती है इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। देखो हमारे पुराने टाइम के कल्चर टाइम के लोग घुरा बजाते थे, और ऐसा माना जाता है कि घुरा की कथा जब गाई जाती है तो आपके जो मतलब इस दुनिया को छोड़ गए होते हैं उनको समय याद किया जाता है, और ये बहुत सारा पुण्य का काम होता है। और बहुत मतलब हमारे सियाने बुजुर्ग लोग जो है ना गांव में, जो ओल्ड संस्कृति है वो बड़े चाव से बैठकर इसे सुनती है, तो जरा आप भी ध्यान से सुनना। और हाँ अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा यूट्यूब चैनल का, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भाई इन लोगों का जो आर्ट है ना वो पूरी रात वहाँ पे बैठ के और कैमरा में रिकॉर्ड किया है, बट आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ, तो आप देखो कि किस तरह से होती है घुरा। तेरी अरदास करनी अपने स्वर्गवासी पापा श्री धनी राम के नाम की अरदास, मकान मालक के नाम की अरदास, दीक्षा कुमारी अरदास।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कल सारी रात दोस्तों पूजा में लगा हुआ था, ध्यान फंक्शन चल रहा था और ऐसे मैं सोया नहीं हूँ। बड़े प्यारे प्यारे कुछ इस तरह के म्यूजिक प्ले हो रहे थे। अभी टाइम दोस्तों सुबह के लगभग 9-10 बजे का हो रहा है। सुबह सबसे पहले हमने आरती कम्प्लीट करी है एंड उसके बाद में अभी आप देख सकते हैं कि हर तरफ चहल पहल पची है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, दादाजी गुड मॉर्निंग, दादा देखो, दादा दादा कहाँ बिजी हो, काम पर सिड्डू बना रहे हो। देखो भाई अभी कितने सारे लोग जो है सारे लगभग बिजी है। वहाँ पे आप देख सकते हो कि खाना जो है वो बन रहा है सारे के सारे लोगों के लिए। पानी तो अभी दोस्तों बाहर चल रही है पूरी की पूरी पूजा की तैयारी और आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे बेद लगाई गई है और पूरा मंडप के जैसे पूरा इसको सजाया जाता है। एंड अभी ना मेरे को वापस से मैं रूम में आ गया हूँ क्योंकि मेरे को सारा का सारा सामान देखिए जो पंडित जी के लिए लेके आया है ना वो भी बाहर रखना होता है। मतलब कुछ अलग सा होता है जिसमें कि पंडित जी को सब गिफ्ट किया जाता है, उनको जुलाया जाता है। बस आप ब्लॉग में आगे आगे देखते रहना कि इस तरह से बहुत सारी की सारी चीज़ें होती हैं। स्वास्थ्य पूषा विष्णु देवा स्वास्थ्य नक्षत्रोस्मी स्वास्थ्य बृहस्पति धातु ओम पया पृथ्वी पयाधा शांतु माँ प्रसिद्धि विष्णुमसी विष्णु विष्णु हुता ओम अग्निदेवता भातो देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता। बस दोस्तों यहाँ तक ही सारा कुछ सही था। उसके बाद में अचानक से कॉल आया कि दीक्षु के यहाँ पे आग लग गई है। फिर हम सारे के सारे लोग यहाँ से भाग के गए और वहाँ पे देखा तो मकान उस टाइम पे जल रहा था। बहुत कोशिश की भाई, मिट्टी निकाली, पानी फेंका, मतलब ऊपर से वो फायर वाले भी नहीं आए और भाई कुल मिला के वो मकान जल गया। तो वहाँ पे क्या हो गया ना कि वो रो रहे थे यार बेचारे। अब देखो घोड़ा कच्चर चलाने वाले लोग हैं, ठीक है, आपको पता है कितना दिन का कमाते हैं ना मुश्किल से। तो अब वो बंदे बेचारे वहाँ पे, उनका मूड ऑफ हो रहा था। तो मैंने मतलब ये देख के मेरा मूड भी ऑफ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कैमरा कर दिया था बंद, फिर मैंने रील्स वगैरह बनाई। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके इंस्टाग्रामर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ डोनेट करिए, डोनेट करिए। अभी फ़िलहाल मैं बैंक में गया था, मतलब रात को मैंने वीडियो जब डाला था अपना, तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग ये 12,000 जो है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। और ये सारी की सारी, इसमें ऐसा नहीं कि कोई फ्रॉड चीज़ें ले आए हूँ। देखो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये लगी हुई है। अरे क्लियर हो जा कैमरे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फोकस करके, देखिए, ठीक है,
ये सब चीजें आपके सामने। फाइनल स्टेटमेंट दोस्तों ये याद रखना कि ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना स्टेटमेंट, ये फाइनल नहीं है। अभी तक मेरे को फंडिंग आ रही है, धीरे धीरे करके लोग प्यार दे रहे हैं। और आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, देखो यार यहाँ से जहां से मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों, बेशक आप रिसर्च करके देख लो, महादेव की नगरी है, शिव नगरी है, कैलाश पर्वत, तो आपको पता है यहाँ पे लोग आने के लिए तरस जाते हैं। तो भाई आपको ना थोड़ा सा 10-15-20 रुपए अगर सेवा करने का मौका मिल रहा है तो मैं बोलता हूँ ये आपका फर्ज होता है। सिंपल सी बात है, जबरदस्ती नहीं कर सकते, बट एक फर्ज के तौर पर इंसानियत के नाते पे जरूर से डोनेशन करना। और साथ में जितने लोग मेरे से ये बोल रहे थे कि रवि भाई आपने दीक्षु का अकाउंट नंबर क्यों दे के रखा है, उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहले रीजन तो ये है कि देखो वहां पे वो चार भाइयों का घर था, मतलब चार फैमिलीज रहती थी उसमें एक लकड़ी के घर में, ठीक है। तो वो चारों फैमिली अब बेघर हो गई हैं। तो अब देखो मैं किसका अकाउंट नंबर देता, किसी एक भाई का दे दूं तो वही बात आ जाती है ना, आज की डेट में ये होता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो भाइयों में अक्सर लड़ाई हो जाती है। तो दैट्स वाई दीक्षु के अकाउंट में, मतलब दीक्षु का भी अकाउंट नहीं मिल रहा था, तो पल्लू का अकाउंट मैंने यूज करा है, जिसकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन आप लोगों के सामने होंगी। आप निश्चित होकर डोनेशन कर सकते हैं। बाकी आप जानते हो कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और बूंद बूंद का ही सहारा होता है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, बाकी सारे क्रिएटर से मैं धीरे धीरे करके अपील कर रहा हूँ वो मेरी वीडियो को शेयर करें या फिर स्टोरीज लगाएं, और देखते हैं कि कहाँ तक बात जाती है।